नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल राज मोबाइल सॉल्यूशन। दोस्तों आज मेरे पास ये फ़ोन आया है वीवो का Y20 मॉडल है दोस्तों, और ये 2027 जैसे कि मैंने सिस्टम पे लगाया तो वीवो V2027 आ रहा था, तो इसे अनलॉक करेंगे हम दोस्तों। इसे मैंने ओपन करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं अपने लैपटॉप पे आता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे MRT का सेटअप ओपन करेंगे 3.75 को ओपन किया है मैंने। तो इसे ओपन होने के बाद दोस्तों क्या करना है, तो चलिए दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें। और दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना दोस्तों, और एक अच्छा सा कमेंट। वीवो में आएंगे यहाँ पे, और वीवो में आने के बाद यहाँ पे मॉडल पे आएंगे, तो मॉडल में यहाँ पे वीवो Y20, i20s, इसमें तीन मॉडल्स दिए हैं, तीनों को आप सपोर्ट करेंगे। उसके बाद फ़ोन को EDL मोड में कनेक्ट करेंगे दोस्तों। इसके जो तीन कैमरे हैं दोस्तों, उसके सबसे नीचे वाले कैमरे के पास में EDL पॉइंट है इसके, तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे इसने ये क्वालकॉम का ड्राइवर ले रहा है दोस्तों। इंस्टॉलेशन चल रही है तो यहाँ पे ड्राइवर ले लेने देते हैं। उसके बाद देखिए ड्राइवर ले चुका है। उसके बाद कॉम में आएंगे, यहाँ से कॉम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करके स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा फ़ोन देखिए सक्सेस बूट हो चुका है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों इसमें FRP भी लगी हुई होगी, तो FRP किस तरीके से विदाउट डोंगल विदाउट PC अनलॉक करेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों। तो वीडियो के साथ बने रहें। तो देखिए ऑल इज डन हो चुका है, मेरा फ़ोन अनलॉक हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज कर देता हूँ और आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलूँगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज कर दिया हूँ। अब दोस्तों आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो ये दोस्तों यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा, तो तब तक के लिए हम दोस्तों आपको और कुछ बता दें कि मेरे चैनल पर दोस्तों मोबाइल अपीयरेंस से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए जाते हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों मोबाइल मेरा कंप्लीट सेटअप विजार्ड पे आ चुका है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको ये देखना है कि हम इसकी FRP किस तरीके से रिमूव करेंगे। तो नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे दोस्तों। यहाँ पर वाईफाई कनेक्शन नहीं देना है, एक चीज़ का ध्यान रहे वाईफाई कनेक्शन नहीं देना। नेक्स्ट नेक्स्ट करें, यहाँ पे स्किप करेंगे, तो यहाँ पे स्किप करेंगे। उसके बाद नीचे एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, फिर ऊपर स्किप करेंगे दोस्तों। यहाँ पे मैं पासवर्ड लगा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि यही हमारा मेन काम होगा। तो यहाँ पे पासवर्ड मैं सेट कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड लगा दिया है। तो यहाँ से दोबारा से पासवर्ड डाल लेते हैं। तो यहाँ पे फिर अब स्क्रॉल अप करके ऊपर यहाँ पे स्किप करेंगे, स्किप कर देंगे यहाँ पे, तो सेटअप फ़ोन पे आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते नॉट साइन इन लिख के आ रहा है दोस्तों, तो यानी कि जीमेल अकाउंट इसमें लगा हुआ है, FRP लगी हुई है, तो इस वजह से ये सेटअप पूरा नहीं हो पाया है। तो चलिए दोबारा से सेटअप करते हैं। वाईफाई मेरा ऑलरेडी ऑन है, तो यहाँ से वाईफाई कनेक्शन दे देते हैं इसको। तो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे स्किप कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे डोंट कॉपी पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे। तो मैंने जो पासवर्ड यहाँ पे सेट किया था वो पासवर्ड डाल देंगे। और दोस्तों देखिए फोन आगे बढ़ चुका है, अब ये FRP नहीं मांगेगा दोस्तों। यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे ईमेल अकाउंट मांगता है ये, वहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। तो स्किप कर देंगे, यहाँ पे स्किप फिर से कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे और ऊपर स्किप कर देंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर स्किप कर देंगे,
और यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट ऑन हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।